नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव हुए वहां से है। हर किसी की नजर इस बात को लेकर थी कि प्रयागराज में जहां पर अतीक अहमद अशरफ की हत्या हुई, इसके अलावा असद का जो एनकाउंटर हुआ, पूरा एपिसोड जो है प्रयागराज जो है उसका केंद्र बिंदु था। यहां पर योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने किस तरीके का प्रदर्शन किया और किस तरीके के समीकरण यहां पर बने, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर निगम के मेयर चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी का कमल जो है वो खिलने जा रहा है। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी की काफी चर्चा हो रही है। वो धमाकेदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि जिसके खिलाफ ये जीत दर्ज की जा रही है उसमें अजय कुमार श्रीवास्तव का नाम है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसी समाजवादी पार्टी के जिसके अतीक अहमद कभी हुआ करते थे। ऐसे में माना जा रहा था कि क्या अतीक अहमद हत्याकांड का प्रयागराज में चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की जीत बताती है कि ये शानदार रहा। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस बार मेयर का फेस बदलने के बाद भी प्रयागराज में भाजपा का राज कायम फिर से रहेगा। शुरुआत में प्रयागराज मेयर चुनाव में इस बार भाजपा के लिए मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा था, क्योंकि राज्य में भाजपा के मेयर पद के लिए इस बार अपने मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का टिकट काटकर गणेश केसरवानी को उम्मीदवार बना दिया था, जिससे भाजपा में बगावत के संकेत देखने को मिल रहे थे। लेकिन इन संकेतों के बावजूद प्रयागराज की जनता काफी लंबे समय तक अतीक के आतंक को झेल रही थी। अतीक की मौत के ऐन बाद मिली बंपर जीत को जनता की तरफ से भाजपा का रिटर्न गिफ्ट भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के एक अस्पताल में 3 शूटरों ने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन अब प्रयागराज में भी इस हत्याकांड के बाद भी बाबा का जलवा कायम है। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।